खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन को आज दिनांक 4 मार्च को चिलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पकड़ी टोला लक्ष्मीपुर नगर में सुधीर कुमार के घर मारपीट की घटना की जानकारी हुई, जिसमें हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की टीम जांच करने गई और पूछताछ किया और दोनों पार्टियों से बयान लिया तथा पूछताछ की वीडियो बनाई और दोनों पार्टियों को समझाया। समझाने के बाद पीड़ित को लेकर चिलिया थाने पर गई, जहां पर मौजूद थाना अध्यक्ष शिवराज पासवान जी के सामने दोनों पक्षों को बुलाकर ये समझाया गया कि भविष्य में आप सभी जरा सा भी झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे। दोनों पक्षों ने इस बात को माना। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष शिवराज पासवान जी के साथ फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार जी, जिला महामंत्री डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, जिला उपाध्यक्ष रामू गौड़ जी, तहसील अध्यक्ष सूरज विश्वकर्मा जी, बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष लवकुश यादव उपस्थित रहे। सभी ने दोनों पक्षों को समझाते हुए और सबको सही सलाह देते हुए हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की टीम ने इस मामले की पूरी जानकारी को लिया और दोनों पक्षों को समझाते हुए और यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में आप लोग झगड़ा मत कीजिए, शांति बनाए रखें। आप लोगों का जो भी जमीनी विवाद है, जो भी दिक्कत है, उसका सब है। सामने है। इनका कोई कुछ हर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बाप इतना दिन से यहाँ झगड़ा लड़ाई कर जमीन के लिए हिस्सा जो आप बता जा कि यही जमीन है वरना हिस्सा दे दे। नहीं नहीं चलिए ठीक है, वही हम पूछने आए। देखिए हम लोग थाने पे भी गए थे। सुन लीजिए, हम आप लोगों की सारी बातें हम समझ गए। हम लोग थाने पे भी गए थे, यही सारी बातें चल रही थी। इनके औरत पूरा घर घर के मारे थी, घर कूद कूद के हम में वहाँ मारे थे। मतलब है दुखा नाम है, ये लोग पाँच जने रहे, वो दिए तीन लोग रहे। हमारे मम्मी का, हमारे मम्मी का सुभाष का घर हुआ है यहाँ खेत कमासी सिंगल और सुशीला। ठीक है, हम लोग देखिए थाने पे आए। इनका मोबाइल 3000 रुपया। सुन लीजिए, वो सब सुनिए, वो सब अक्सर लड़ाइयों में क्या होता है ना, एक दूसरे का हो जाता है। लेकिन हम लोग थाने से आए हैं, यही पूछना। अब हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। ऐसे जैसे ये मोबाइल रखा जेब में, अच्छा मोबाइल रखा, ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लिए। चलिए ठीक है, वहाँ घर में ले गए।